पावर हाउस भिलाई में बने ओवर ब्रिज के नीचे निगम द्वारा बनाए गए गुमटियों के आवंटन में पक्षपात करने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 17 वर्षों से ठेला लगाकर अपना परिवार पालने वाले एक शख्स को गुमटी आवंटित नहीं की गई। यह शख्स जो ठेले पर नाश्ता बना रहा है, यह इस जगह पर 17 साल से अपना छोटा सा व्यवसाय कर अपना परिवार पालता है। परिवार में एक छोटा मंद बुद्धि भाई और एक बीमार पिता भी है। बीते वर्ष पावर हाउस के ओवर ब्रिज के नीचे अव्यवस्थित रूप से संचालित हो रहे दुकानों को व्यवस्थित करने के लिए निगम भिलाई द्वारा यहां गुमटियां स्थापित की गई थी और उसका आवंटन भी किया जा चुका है, परंतु 17 साल से व्यवसाय करने वाले इस व्यक्ति को यहां स्थापित गुमटियों में से एक भी गुमटी नहीं दी गई और अब यह मजबूर है कि गुमटियों के बाहर ही ठेला लगाकर अपना व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण करे। यहां स्थापित की गई गुमटियों में से कुछ व्यापारी संघ के लोगों ने अपने नाम करवा लिए हैं और कुछ ऐसे लोगों को गुमटियां आवंटित की गई जिनका व्यवसाय यहां है ही नहीं। इस शख्स ने कई बार नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों को भी इस चीज से अवगत कराया, परंतु किसी ने इसकी सुध नहीं ली। ऐसे में इस शख्स ने अपनी आप बीती न्यूज टीम को बताई है और शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि इसे भी एक गुमटी यहाँ उपलब्ध कराई जाए, जिसका यह हकदार भी है। गुमटी जब ये दुकान सब टूटी, मैं तो बाहर ही लगा रहा था, दुकान जब टूटी है तो यहाँ समिति वाले को पहले दिया गया है, क्योंकि उनका पुराना था, जो जो भी मतलब कमेटी में नाम था उनको दिया गया। मेरा कहना ये समिति से हमको कोई मतलब नहीं। ये जो नया खंड है, नया खंड में पहले बस स्टैंड था, और बस स्टैंड में यहाँ के व्यवसाय करने वाले को कम मिला है और बाहरी जो लोगों को ज़्यादा मिला है, बाहरी लोग। तो बाहरी लोग को मिला करके हमको कैसे पता चला कि नए लोग आते हैं, गुमटी ताला खोलते हैं, देख के जाते हैं, तो स्वाभाविक है उनका है ये गुमटी। तो मेरे को पता चला कि बाहरी। मेरा कहना मतलब है जो पैसा वो दिए हैं, जो नियमित भावे निगम में जमा हुआ, वो पैसा हम भी देंगे, कहीं से भी करके देंगे, लेकिन हमको दिया जाए, क्योंकि हमारा रोजी रोटी चल रहा है, मेरा घर परिवार इसमें चल रहा है। मैं नगर निगम में 2-3 आवेदन दिया हूँ, उसके बाद वो साहब आए थे उस दिन, तो पूछा तो मैं गुमटी के बारे में बोले कि तुमको गुमटी देखो इधर तो नाम में तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं था, और उस साइड कहीं गुमटी बैठाएंगे तो आपको जुगाड़ कर देंगे, ऐसे करके आप गुमटी उधर बैठे अगर 6 महीना भी लग सकता, 8 महीने भी, साल भर भी, तब तक मैं कैसे व्यवसाय करूं, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। बारिश का समय है, क्या लग रहा है उस समय में मैं था नहीं यहाँ पे, इनका पुराना समिति है, नहीं तो समिति वाले से कोई ये नहीं है ना, हम तो अलग से हैं, 5-7 आदमी जो है अलग से, जो समिति में जुड़े नहीं थे हम, इसलिए हमको समिति से कोई मतलब नहीं। नए खंड में वो वार्निंग दे के गए हैं 2-3 बार कि ठेला जब्ती कर लेंगे, अगर आएंगे देखेंगे तो बाहर लगाते हुए। घर परिवार की स्थिति तो देखिए रहे, मेरा भाई को पिताजी को देख लिए, घर किराए का है और ठेले भी किराए का है, अभी वो ठेला टूट गया, अभी ये सब गुमटी वुमटी बन गया, धंधा पानी है नहीं तो ठेला नहीं बना पा रहा हूँ मैं। मेरा कोई मांग नहीं है साहब, मेरे को खाली एक गुमटी दिया जाए ताकि मैं धंधा करके मैं घर परिवार चला सकती हूँ, मेरे को कोई नेतागिरी नहीं करना, कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ एक गुमटी दिया जाए, जो वाजिब जो वास्तविक पैसा है वहाँ जमा कर दूंगा, कहीं से भी मैं एडजस्ट करके अब मैं धंधा करूं, क्योंकि ये रोजी रोटी है मेरा, अगर कल दुकान बंद हो जाएगी तो मेरा घर में भूखा, मकान का किराया है, और 2-3 दुकानदार का नाम तो मैं ठीक से जानता नहीं हूँ, लेकिन है आते हैं, चाबी खोलते हैं, ताला देखते हैं, नए नए लोग हैं, अब किसका है क्या है पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि ये नया खंड है, समिति वाला रहता था हम जानते हैं सबको, क्योंकि उनको मिल चुका है, ये नया खंड में जो बाहरी लोग आके धंधा करने के लिए गुमटियाँ खोल रहे हैं लेकिन धंधा नहीं कर रहे, अभी तो बंद है, अभी इसका आवंटन ठीक से हुआ नहीं कुछ, अब मेरे को इसमें से एक ठो दे दिया जाए ताकि मैं धंधा करूं, क्योंकि नया लोग को ना देके हमको पुराने लोग जो यहाँ धंधा इतने साल से कर रहा हूं, मेरे को एक आध गुमटी इसमें से मिल जाए तो मेरा घर परिवार चलेगा, बस और कोई मांग नहीं है। नगर निगम प्रशासन द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं जिनका क्रियान्वयन भी किया जाता है, लेकिन हर योजनाओं में कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कुछ ना कुछ त्रुटि और होती है, और अगर त्रुटि नहीं हुई तो लापरवाही होती है। आज निगम की लापरवाही का खामियाजा एक रोज कमाने खाने वाले बंदे को झेलना पड़ रहा है। पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे जो दुकानें बनाई गई है वो पहले यहाँ की समिति के द्वारा, जो उनके द्वारा लिस्ट बनाई गई थी, उन लोगों को दिया गया है, और उसके बाद जो नया फेस बनाया गया है, जो दूसरी साइड है, जो छावनी थाने की तरफ जिसका फेस पड़ेगा, उसमें नए लोगों को, बाहरी लोगों को दुकान आवंटित किया गया है। ये इनका साफ आरोप है, क्योंकि ये 17 साल से यहाँ पर अपना ठेला लगाते हैं, समोसा बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, लोगों की भूख प्यास मिटाते हैं। यहाँ पहले बस स्टैंड हुआ करता था और बस स्टैंड के पास ही इनकी ये छोटा सा ठेला था, लेकिन
जो हक इन्हें मिलना चाहिए वो हक इन्हें आज तक नहीं मिल पाया है। ज़रूरी होगा निगम प्रशासन को कि ये अपनी त्रुटियों को, अपनी लापरवाहियों को बंद करें और जो वाकई में हितग्राही हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनका हक बनता है, उनके साथ न्याय करें। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से मैं हूँ संतोष शर्मा।